हम लोग ये जो रेमेडीज करते हैं, हम लोग जो जेम्स पहनते हैं, या हम लोग मंत्र चैंटिंग करते हैं, या कई एस्ट्रोलॉजर्स आपको लाल किताब की भी रेमेडीज देते हैं, जैसे आप कहीं किसी चलते पानी के अंदर फलाना चीज़ बहा दीजिए, या कोई फलानी चीज़ आप अपने पिलो के नीचे रख के सोइए। तो ये रेमेडीज़ जो हम लोग करते हैं, ये रेमेडीज़ हमारे जीवन में जो कर्मास से, जो एक्यूमुलेटेड कर्मास हमारे जीवन के होते हैं, जो कई वर्षों से, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कई जन्मों से ही एक्यूमुलेटेड कर्मास जो हमारे जीवन में चलते आ रहे होते हैं, इन एक्यूमुलेटेड कर्मास के रिजल्ट्स होते हैं ये सर्कमस्टांसेस जो हमारे जीवन में बनते हैं। जैसे कोई हेल्थ इशू, या जैसे कोई गॉड फॉरबिड किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या अगर उसको कोई बैड रिलेशनशिप्स के अंदर वो इंसान अपने जीवन में फंस जाते हैं, या कोई फाइनेंशियल बहुत बड़ी कोर्ट कचहरी या ऐसी कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो ये हमारे पिछले कई वर्षों के या कई जन्मों के एक्यूमुलेटेड कर्मास होते हैं, जिनकी वजह से ऐसे सरकमस्टांसेस में आदमी जाके फंसता है। हमने पहले भी अपने सेशंस में ये चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश करी है कि रेमेडीज़ हमें करनी चाहिए अपने इन सिम्टम्स से रिलीफ पाने के लिए जो आज हमारे जीवन में क्रिएट हो चुके हैं, हेल्थ इश्यूज़ या करियर इश्यूज़ या रिलेशनशिप इश्यूज़। किंतु हमें एक चीज़ का और बहुत ध्यान रखना चाहिए हमारे जीवन में कि जो कॉज है इन सिम्टम्स का, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि हमारे कर्माज हैं, हमको अपने कर्माज का ज़रूर जीवन में ध्यान रखना चाहिए। हमारे जीवन में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब हम लोग अपने जीवन में बहुत निश्चिंत हो जाते हैं, और तब हम अपने लाइफ को बिल्कुल भी केयरलेसली तरीके से हम लोग अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। जैसे उल्टे सीधे तरीके से बिजनेस करना, या उल्टी सीधी चीज़ें हमें अपने लाइफ के अंदर उल्टा सीधा लाइफस्टाइल जीना, तो इन चीज़ों का आप कृपया ध्यान रखें। दो तरह के कर्मास होते हैं, फिजिकल कर्मास एंड मेंटल कर्मास। फिजिकल कर्मास में आता है वो कर्मास हम करते हैं जिससे हम लोग अपनी हेल्थ के ऊपर रिजल्ट्स डालते हैं, और मेंटल कर्मास वो होते हैं जब हम किसी के साथ अगर कुछ गलत काम करते हैं अपने जीवन में, जिसकी वजह से हमें कॉस्मिक नेगेटिव एनर्जीज, या किसी की हमें बद्दुआ मिलती है, या किसी के बैड एनर्जीज हमें मिलती हैं, वो हमारे मेंटल कर्मास होता है। तो हमें अपने जीवन में हमारे फिजिकल कर्मास और मेंटल कर्मास दोनों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम लोग आगे चल के अपने सेशंस में आप लोगों को और विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल और मेंटल कर्मास को एक्चुअली में हम लोग किस तरह से अपने जीवन में हम लोग बैलेंस कर सकते हैं।